देखा होगा बहुत सारी लर्निंग, पढ़ा होगा मैम से कि बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज आई, जिसमें आप लोगों ने आरएएस पढ़ा होगा, एसआर पढ़ा होगा, फिर इसके बाद कॉग्निटिव, फिर आपने इसमें पढ़ा होगा देखिए आरएएस थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या था अनुक्रिया और उद्दीपन, जिसे क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड और स्टिमुलस, ये सारे आपके लर्निंग थ्योरीज हैं अलग अलग शिक्षाविदों ने जो है इनका जो इनके बारे में आपको बताया हुआ है कि शिक्षा में इनका क्या अनुप्रयोग है। ये बहुत सारी थ्योरीज जो दी गई हैं वो जानवरों पे इनका पहले एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको फिर एजुकेशन में लाया गया। इसमें जो है बताया गया है कि एजुकेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको हम बालक के व्यवहार को इन थ्योरियों द्वारा कैसे निर्देशित कर सकते हैं, कैसे इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें सबसे अगर कॉग्निटिव थ्योरी की बात किया जाए, लर्निंग थ्योरीज में अगर कॉग्निटिव थ्योरीज की बात की जाए तो जीन पियाजे का नाम आता है। किसका? जीन पियाजे। इन्होंने जो है ये स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे, ये एनिमल साइंटिस्ट थे। जंतु वैज्ञानिक थे बहुत पहले इन्होंने, जब बहुत ही छोटे एज में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जंतु विज्ञान में बहुत ही महारत हासिल की, और फिर इन्होंने जब इसमें महारत हासिल किया तो एक रिलेशन उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ना, स्टडी करना कि इस जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में क्या समानताएँ हैं, क्या संबंध है। उसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मनोविज्ञान का अध्ययन, उसका उन्होंने प्रशिक्षण किया, और उस प्रशिक्षण को उन्होंने जब प्राप्त किया तो उन्होंने मनोविज्ञान में इतनी ज़्यादा जो है वैराइटीज ला दी, अपनी थ्योरी लाई, और वो थ्योरी इतनी ज़्यादा मतलब उस थ्योरी को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, उसको इतना ज़्यादा एजुकेशन में उसका उपयोग देखने को मिला कि उनकी थ्योरी को वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ लर्निंग थ्योरीज में रखा गया। और वो किसके अंदर रखा गया, संज्ञानात्मक विकास। देखिए सबसे पहले संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ क्या है, संज्ञानात्मक विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बालक में बहुत प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, और उसमें संज्ञानात्मक, और ये जो आपका संज्ञानात्मक विकास है ये किसके विकास पे डिपेंड है, सज्ञान, सज्ञान मतलब ज्ञान, और ये आपका स क्या है, प्रत्यय है, जो विशेष ज्ञान की ओर जो है आपको प्रेरित करता है, विशेष ज्ञान की तरफ आपको ले जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, विकास क्या है, परिवर्तनों की श्रृंखला है, विकास क्या है, परिवर्तनों की श्रृंखला है। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ ज्ञान में जो परिवर्तन आता है, जो ज्ञान में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक क्या है, विशेष ज्ञान, जो बालक जो है विशेष ज्ञान अर्जन करता है उसमें जो परिवर्तन आता है, उससे जो ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान के विकास को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। इज इट क्लियर, विकास क्या है, और इसी में जो है जीन पियाजे ने बताया कि बालक के व्यवहार में, उसके जो है संज्ञान में, उसके जो है बुद्धि में, उसके ज्ञान में जो गुणवत्ता आती है, जो गुणवत्ता का क्या बोलते हैं विकास होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। जैसा कि आप जानते हैं विकास जो है तुरंत नहीं होता, ये क्या है, एक बहुत कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। और इसी ज्ञान के अर्जन के लिए क्या आप लोगों को शिक्षण का
अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है कि बालों को कैसे सिखाया जाए, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए। ये क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के ही व्यवहारों का अध्ययन है, उसके व्यवहार को किस तरीके से मोल्ड किया जाए, उसके व्यवहार में किस तरीके से क्या रिक्वायर्ड चेंजेस लाया जाए, कैसा वांछित परिवर्तन लाया जाए कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके और राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। इतनी बात समझ में आई संज्ञानात्मक विकास क्या है? देखिए आप लोग जानते होंगे कि जिम पियाजे ने इन चीजों को, संज्ञानात्मक विकास को चार भागों में, चार अवस्थाओं में बांटा हुआ है, जिसलिए इस विकास को क्या डीएसटी के नाम से भी जानते हैं। डीएसटी मतलब डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। मतलब विकासी अवस्थी, विकासी अवस्था सिद्धांत। क्योंकि इन्होंने जो अपनी लर्निंग थ्योरी प्रस्तुत की है, जो कॉग्निटिव थ्योरी बताई है, उसमें क्या अवस्थाओं के हिसाब से बालक को कई चार अवस्थाओं में बांटा हुआ है और उन अवस्थाओं में उन्होंने बताया है बालक कैसे क्रियाएं करता है, उसकी मानसिक विकास में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, किस किस अवस्था में क्या क्या वो सीखता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी को डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी के नाम से जानते हैं, डीएसटी, विकासी अवस्था सिद्धांत। और आप जानते हैं कि इन्होंने चार अवस्थाओं में बाल विकास को विभाजित किया हुआ है, बताइए कौन कौन से हैं? क्या है? सेंसरी, और बालक का जो विकास, जो उसके मानसिक स्तर का विकास चार अवस्थाओं में किया जाता है। और ये कौन कौन सी अवस्था है, हिंदी जिसे कहते हैं संवेदी पेशी और पूर्व संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक। और ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज को इन्होंने 6 पार्ट में बांटा हुआ है, प्री ऑपरेशनल को 2 में बांटा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इनका स्टेजेस क्या है, ये 0 से 2 ईयर्स है ना, और ये 2 से 7 ईयर, और ये 7 से 11, और ऐसा मानते हैं 11 से 15 या 11 से above। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक को, सॉरी सेंसरी मोटर को इन्होंने 6 स्टेजों में बांटा हुआ है। उसमें क्या बालक करता है, छोटा बच्चा आप लोग तो देखते ही होंगे, ये कोई जो है ये थ्योरी ऐसी नहीं कि जो आप लोगों के दिमाग से परे, क्योंकि आप लोग बच्चे का विकास देख ही रहे हैं। बताइए इससे भी पहले आप लोगों ने देखा है कि रॉस ने, हरलॉक ने, हर लोगों ने इस अवस्था के बारे में बताया हुआ है और उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्योंकि देखिए क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक बालक पे है, बेस्ड है। तो बालक जो भी इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्या एकदम अलग तो हो ही नहीं सकती। जिन लोगों ने बांटा हुआ है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और समानताएं भी हैं। समानताएं क्यों हैं, क्योंकि वो बालक पे बेस्ड है। ये आप जान ही रहे कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, भले वो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो बालक का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या समानताएं पाई जाएगी। तो बताइए सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसा होगा, उसके क्या गुण हो सकते हैं? देखिए इन्होंने जो है जी पियाजे ने बताया, ये पूर्व
पूर्व शाब्दिक काल होता है। बालक इसमें जो है संवेदी पेशी में, जैसा कि आप जानते हैं संवेदी पेशी नाम से ही क्लियर है कि संवेदना, जिसमें संवेदना प्रमुख हो। संवेदना कौन कौन सी है? बताइए संवेदना कौन कौन सी है? जितनी भी बालक इसमें जो है, इस स्टेज में बालक की संवेदना क्या होती है? प्रमुख होती है। जितनी भी है आपका संवेदना मतलब क्या? हर्ष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, भूख लगना, जिसमें भी उसकी इनर फीलिंग्स है, इसमें जो है उसके इंटरनल जो फीलिंग्स है वो सारी जो है उसकी प्रमुखता इन्होंने बताई हुई है। बालक क्या करता है इसमें? अपनी माँ को कैसे पहचानता है? आवाज से पहचानता है। तो इसमें, इस काल में बालक का क्या होता है? स्मेल, सूंघना जिसे आप कहते हो, स्मेल, टच और परसीव। परसीव मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना। इसमें बालक उस संवेदी पेशी इसीलिए कहते हैं कि इसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? ज्ञानेंद्रियों से जो है प्रेरित होती हैं। जितनी भी क्रियाएं वो करता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? उसमें बच्चा क्या करता है? ध्वनि सुनता है और कान द्वारा, फिर इसको क्या कहता है? अपने दिमाग में रखता है। यही चीज इन्होंने पियाजी ने बताया है कि वो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को वो करता है। बालक क्या करता है? सबसे पहले वातावरण से जो भी कुछ उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी मिलता है उसे क्या करता है? उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। क्या करता है? परसीव करता है उस चीज का। वो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस चीज को रिसीव करता है। दो शब्द होता है आपका, एक रिसीव और एक परसीव। रिसीव और परसीव, बताइए। रिसीव मतलब मैम, मतलब कि जो चीजें वातावरण से वो देखता है, मतलब उसको ग्रहण करता है। और परसीव का मतलब है मतलब उससे जो चीजें ग्रहण करता है उनका अनुकरण करता है। देखिए रिसीव क्या होता है? ग्रहण करना। आप किसी चीज को दे दिए, वो ले लिया, वो क्या हो गया? ग्रहण करना हो गया। और परसीव क्या हो? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, आप ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं किस लिए दे ले रहा है, तो ये क्या हो गया? परसीव मतलब प्रत्यक्षीकरण। समझ में आई बात? रिसीव और परसीव में क्या अंतर है? किसी चीज को एज डायरेक्ट आपने दिया, ले लिया, वो क्या हो गया? आपने ग्रहण कर लिया। और जब आप अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके उस चीज को लेते हैं, वो चाहे आपका ज्ञान हुआ, चाहे सम्मान हुआ, चाहे एनीथिंग, वो क्या कहलाता है? परसीव। और परसीव का अर्थ ज्यादातर क्या लिया जाता है? आप अपने सेंस ऑर्गन द्वारा जो नॉलेज ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? परसीविंग। क्लियर? तो इस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। और इसीलिए जब इन्होंने इसका वर्गीकरण किया तो संवेदी पेशी, इस अवस्था को संवेदी पेशी ही नाम दे दिया। और इसको क्या छह भागों में बांटा हुआ है? गौड़ है, तृतीय है, फिर द्वितीय है, और इसके बाद फिर मानसिक चेतना। जो इसका लास्ट स्टेज है, दो वर्ष पे आता है, वो है आपका मानसिक चेतना। अब यहाँ से, अभी तक वो क्या कर रहा था? परसीव कर रहा था, चीजों को ग्रहण कर रहा था। अब यहाँ से वो क्या करता है? सोचना स्टार्ट करता है। उसका क्या करता है? सिंबल बनाता है। सिंबल मतलब प्रतीक, स्थापना। अभी क्या था? परसीव, ग्रहण करना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, सिंबल और प्रतीक बनाता है। फिर प्रतीक बनाना मतलब क्या? ये इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज, बताइए।
या उनको उसने क्या क्या अर्जुन कर लिया वातावरण से जो कुछ मिला ये चीज देखता है मतलब कि उसका मतलब वातावरण के साथ वातावरण में जो भी चीज बालक देखता है तो उसके माइंड में उसकी वो छवि उसके दिमाग में बैठ जाती है फिर ये इन सिंबल्स को इन साइन को वो क्या अपने आगे के ज्ञान में इनका प्रयोग करता है इनका एप्लीकेशन करता है और बाद में ये क्या होता है एक ज्ञान का एक स्थायी ज्ञान का रूप होता है क्लियर। और देखिए संवेदी पेशी में क्या गुण होते हैं बालक के इस अवस्था में ये अहम केंद्रित होता है अहम केंद्रित होता है कि बच्चा जैसे कि हर लोगों ने बताया है सेम थिंग इन्होंने ही बताया कि बालक क्या करता है अपने आप में ही खेलता है मतलब अपने शरीर से अपने अपनी क्रियाओं में ही वो क्या होता है व्यस्त होता है लेकिन जैसे जैसे वो बालक बढ़ता है उसका सामाजिकरण होता है नैतिक विकास होता है चारित्रिक विकास होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ किसका विकास होता है बौद्धिक विकास जब हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए बौद्धिक विकास तो इसमें बच्चे का बौद्धिक विकास होता है अभी तक तो वो क्या था पूर्व शाब्दिक स्तर पे था अब यहाँ से उसके शब्द रचनाएं शुरू होती हैं जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है मतलब पूर्व संक्रियात्मक इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है दो से चार और चार से सात पूर्व प्रत्यात्मक और अंतर पूर्व प्रत्यात्मक और अंतर प्रत्यात्मक है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा गया है जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 से 7 years का होता है ये टाइम पीरियड कितना होता है 2 से 7 साल का होता है और इसको भी दो भागों में बांटा गया है 2 से 4 और 4 से 7 इसमें क्या करता है बालक जब इस अवस्था में प्रवेश करता है तो वो बहुत सारे ध्वनियों के बीच में अंतःकरण करने लगता है बहुत सारी चीज़ों अनुकरण करने लगता है जैसा कि और लोगों ने बताया है कि इस स्टेज की क्या विशेषताएँ हैं हरलाख के द्वारा बताइए बताइए पुरानी चीजें भूलते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा अभी आपको एग्जाम देना है इतनी जल्दी भूलेंगे तो क्या कैसे एग्जाम देंगे बताइए इस काल की क्या विशेषताएं हैं जैसे आप क्या कहते हैं पूर्व बालावस्था हर लॉ के अनुसार कह लीजिए इस अवस्था में बालक चित्रण करता है अनुकरण करता है इसमें क्या होता है नैतिकता की भावना जागृत होती है वो पूर्ण तरीके से नैतिक नहीं होता उसके जो कार्य होते हैं वो अनैतिक होते हैं क्योंकि उसे सही गलत अभी पता नहीं होता वो इस स्टेज में आ रहा है जब उसका जो है चिंतन स्तर शुरू हो रहा है और चिंतन स्तर में जब वो जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या सही है क्या गलत है क्या धर्म है क्या अधर्म है इन सारी चीज़ों को क्या करेगा वो कैटेगराइज करेगा वो पहचान सकेगा और तब वो किस स्तर में आएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा जब वो किसी चीज़ का वर्गीकरण कर लेगा जैसा बहुत सारे अलग अलग साइजेस के आप ग्लास दे दीजिए कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा फिर उससे बड़ा और बालक को दे दीजिए कि इसे अरेंज करिए तो बालक अगर साइज के हिसाब से पहले छोटा रखता है बड़ा रखता है फिर बड़ा रखता है तो ये क्या कर लेता है व्यवस्थित करना सीख जाता है और ये किस स्टेज में आता है मूल में संज्ञात्मक में आता है उसमें क्या बालक जो है वर्गीकरण व्यवस्थीकरण ये सारी चीजें सीखने लगता है और उसका क्या बौद्धिक विकास शुरू होता है फिर यही जो है इसको इस अवस्था को क्या कहते हैं ठोस या मूर्त संज्ञात्मक स्तर भी कहते हैं इसमें क्या करते हैं जितने भी मूर्त चीजें होती हैं जैसे कि बालक अगर दे दिया जाए इसमें देखें दो लाइन दे दिया जाए बालक से पूछा जाए कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है तो बहुत जल्दी बता लेगा तो इसमें क्या हो गया बालक का ये बौद्धिक स्तर में जो है थोड़ी गुणवत्ता आई उसके चिंतन में थोड़ी गुणवत्ता आई और फिर ये जो आपका फॉर्मल स्टेज है इसमें क्या करता है बालक पूरी तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर लेता है कोई भी समस्या है
उसमें वो पारंगत हो जाएगा, उस समस्या को वो पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कल्पनाएं, इसमें अमूर्त, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि बालक ही प्रौढ़ का एक लघु रूप है। और इसमें जब बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, हालांकि जो है प्रौढ़ावस्था 11 से नहीं होता, लेकिन फिर भी ये भावी जीवन की तैयारी है। और इसमें जो है जब बालक इस अवस्था में आता है तो वो बहुत सारी चीजों का परिकल्पना, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है, इमेजिन करना, जैसे कोई कॉन्सेप्ट या कुछ दे रहे हैं तो उसके बारे में पहले बहुत सोच लेते हैं, फिर उस चीज को जब बताते हैं तो कहां वही बताया जाता है कि इस चीज के बारे में सोचा गया है, परिकल्पना मतलब ये है। ये बालक जो है इस स्टेज पे आ गया होता है चिंतन स्तर पे, आप लोग जिस स्तर पे हैं वो क्या कहलाते हैं, चिंतन स्तर। और बालक जब इस स्तर पे आ जाता है तो बहुत सारे अमूर्त चिंतन करता है और बहुत सारी कल्पनाएं करता है, और कल्पनाएं उनसे भी ऊंची कल्पनाएं जो क्या कहलाती हैं, परिकल्पनाएं। और इन्हीं परिकल्पनाओं का देन है कि आज साइंस इतने आगे है, ये मनुष्य जितनी दूर सोच सकता है उस पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और इसके बाद क्या करता है, पोस्टुलेट देता है, और बहुत सारी चीजों का वो इन्वेंशन खोज करता है। ये चारों चीजें समझ में आई, देखिए इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि बालक सबसे पहले परसीव किया, फिर क्या सिंबल किया, सिंबल फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ थिंकिंग, जिसे क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। इन तीनों चीजों को, इन तीनों प्रक्रियाओं को, बालक की तीनों प्रक्रियाओं को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या एक विशेष प्रकार के ज्ञान का निर्माण होता है, क्या एक ज्ञान के भंडार का निर्माण होता है। और ये जो ज्ञान होता है इसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और यही संज्ञानात्मक विकास है जो बालक के व्यवहार को पूर्ण रूप से निर्देशित करता है। इज इट क्लियर कि इन तीनों प्रक्रियाओं को, इन तीनों प्रोसेसेस को अगर मिला दिया जाए, बालक के मानसिक रूप, उसके जो है इस चिंतन स्तर को और उसके सिंबल फॉर्मेशन को, परसीविंग को एक साथ मिला दिया जाए, ये सारे प्रोसेस, तीनों प्रोसेस को मिला दिया जाए तो क्या एक ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान भंडार का निर्माण होता है। और वो ज्ञान भंडार क्या, बालक को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सहायक होता है। जैसा कि आपको इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि बालक को शिक्षण कैसे कराना है, कैसे सिखाना है, तो आप क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिससे बालक आसानी से सीख सके। आसानी से सीखने के लिए ये सारे इनोवेशन हो रहे हैं ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज एजुकेशन में अप्लाई की जाती है ताकि बालक जो है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुगम से उस चीज़ को क्या सीख सके। और सीखना क्या है, सीखना ही शिक्षा है, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, सीखना। आप किस लिए शिक्षा लेते हैं, कुछ सीखने के लिए, बालक को क्यों पढ़ाते हैं, सिखाने के लिए पढ़ाते हैं भाई आप लोग। आप अपनी स्ट्रेटजीज, इतने मेथड इसलिए लगाते हैं कि बालक किसी चीज को बहुत ही इजिली सीख सके, और ऐसा सीख सके कि वो उसके दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो, स्थायी रूप से बैठ जाए। और यही होता है प्राथमिक स्तर पे आप जाते हैं जब, तो वहाँ क्या बच्चे को बोधात्मक चीजें पढ़ाते हैं। बोधात्मक चीजों में क्या आती है, आपकी कविता आ गए, टेबल्स आ गए, ये सारी चीजें जो उनके जीवन भर काम आती हैं। तो ये क्या उनके जो है, पहले तो वो बोध किए, और इसके बाद फिर देखिए जब बालक जो है तीसरे स्टेज में होता है, ठोस संक्रियात्मक स्टेज में होता है, तो वो क्या करता है चीजों को, ये ऐसा स्टेज होता है जैसे आपके कोई चीज नियम बता दिए बालक को, तो उस नियम को वो फॉलो करता है, उसे लगता है जो बताया गया वो क्या है, सत्य है। जैसे आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऐसे करना है,
आपको बड़ों से ऐसे बात करनी है, तो वो सारी चीजें बालक क्या करता है, सत्य मानता है और उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकरणित करके चलता है। लेकिन जैसे वो चिंतन स्तर में आता है, जब वो अमूर्त चिंतन करने स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है, उन सब चीजों के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देता है। क्या करता है? एनालिसिस। क्या सही है, क्या गलत है, इसका क्या परिणाम होगा, ये सारी चीजों का वो क्या करता है, विश्लेषण करता है। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि विशिष्ट उद्देश्य जो है तीन भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भावनात्मक को भी तीन अच्छे एस्ट्रोजो में बांटा गया है। सारे तीनों जो तीनों आपके डोमेन्स हैं उनको जो है छः छः स्टेपों में बांटा गया है। उसमें आप ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन में देखते हैं, इसे जो छः स्टेजों में बांटा गया है, सबसे पहले आपका नॉलेज आता है कि कहीं से भी आप बालक को ज्ञान दे रहे हैं, फिर वो उसका क्या करता है, बोध करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, फिर इसके बाद उसका क्या करता है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन करता है। जब उसका अनुप्रयोग करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, फिर उसका क्या करता है, वो संश्लेषण करता है, और इसके बाद उसका क्या करता है, पढ़े कि नहीं आप लोग? अभी नहीं पढ़े? अच्छा, शाम वाले पढ़े। अच्छा, अभी पढ़ाएंगे मैडम ये आप लोगों को। क्या वो क्या एवेल्युएशन में आता है, मूल्यांकन करेगा बच्चा क्या सही क्या गलत, ये सारी चीजें। तो ये आपका किस पे आ जाता है, ये लास्ट स्टेज होता है, ये बहुत ही विस्तृत होता है, और इसमें जो है बालक जो है चिंतनशील होता है। और इन सारी चीजों का जो इतना जो बताया गया है, इनका सार ये है कि जीन पियाजे ने बताया कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया लर्निंग थ्योरीज में, उद्दीपन स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड, इनका महत्व होता है। लेकिन जीन पियाजे ने बताया कि कोई भी क्रिया जो है उद्दीपक, वातावरण से जो उद्दीपक होता है उससे डायरेक्ट प्रभावित न होके बालक की इन तीनों स्टेजों पे डिपेंड होती है। अभी उद्दीपक, हाँ, और रिस्पॉन्ड मतलब होता है प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको भूख लगी, भूख लगना क्या हो गया, उद्दीपक हो गया, और भोजन ले लिया वो क्या हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया, आप में एनर्जी आ गई, आप दूसरा काम करने लगे। अभी तक आपको भूख का एहसास हुआ, जो वो एहसास हुआ वो क्या होगा, एक स्टिमुलस हो गया, आपका एक उद्दीपक हो गया, और फिर आपको नीड हुई, भोजन की आवश्यकता हुई, आपने भोजन ग्रहण किया और आपको एनर्जी मिली, दूसरा कार्य करने लगे, वो क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्ड हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। इससे पहले जो थ्योरीज आपकी लर्निंग थ्योरीज दिया, थंडाइक ने दिया, पॉलव ने दिया और वॉटसन ने दिया, ये सारे लोगों ने अभी तक ये बताया कि ये सारी चीजें किससे, उद्दीपक से जुड़ी होती हैं। लेकिन जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव थ्योरी में बताया कि ये जो है स्टिमुलस से न जुड़ करके ये बालक के इन तीनों प्रक्रियाओं पे डिपेंड होती है। वो क्या है, आपका ग्रहण, प्रतीक और अमूर्त चिंतन, ये सारी चीजें जो है उद्दीपक पे बेस्ड न होके बालक के जो है व्यवहार का निर्देशन, उसके जो है मानसिक गुणवत्ता के अनुरूप होती है। गुणवत्ता क्या होता है बताइए, गुणवत्ता क्या होता है, रोज सुनते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट, जो चीज होती है मतलब जो भी संस्थान होती है उनसे परिपक्व गुणात्मक कहने का मतलब है जिसमें पूर्ण रूप से गुड़ ही गुड़ हो, में लिखा ही है गुणात्मक मतलब गुड़ों से भरा हुआ। तो ये जो गुणात्मक व्यवहार होता है, जो गुणात्मक चिंतन होता है, यही बालक के व्यवहार को निर्देशित करता है। निर्देशित करने का मतलब क्या है, उसको अच्छे व्यवहार के, अच्छे जीवन की ओर क्या करता है, गाइडेंस देता है, डायरेक्ट करता है।
और जीन पियाजे ने बताया कि ये जो है उद्दीपक पे ना डिपेंड होके बालक के अपने चिंतन अपने सोच पे डिपेंड करता है ना। बहुत सारे बालक हैं, बालकों में देखते हैं कितनी वेराइटियाँ पाई जाती हैं, देखते हैं कि नहीं। बचपन में जब बालक स्कूल आता है तो आप उसे लिखना सिखाते हैं, कोई भी शिक्षक उसे लिखना सिखाता है, तो बालक अगर क को इस तरीके से लिख रहा है तो सारे लोग क को इसी सारे बच्चे क को इसी तरीके से लिखेंगे, ए को इसी तरह लिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे सबकी हैंड राइटिंग बदल जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि किसी एक बच्चे दो बच्चे की राइटिंग सेम नहीं होती सबकी, जबकि एक ही टीचर पढ़ा रहा है। बचपन में जब वो पढ़ रहा है, पहले जब लिखना स्टार्ट कर रहा है, घर पे कोई पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, वो एक ही तरह से स्टार्ट करना, ए बी सी डी अगर मिलावट लिखाया गया तो भी एक ही तरीके से बनाएगा। कुछ बच्चे सीधा लिखने लगे, कुछ तिरछा लिखने लगे, कुछ ऐसे इटालियन बोल्ड इस तरीके से लिखने लगे। तो ये क्या होता है, ये बच्चे की अपनी जो है बौद्धिक क्षमता होती है, ये क्या होता है, ये उनकी इंटेलेक्चुअल पावर होती है, जिससे वो क्या करते हैं अपने आप को अलग बालकों से क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वो अपनी विशिष्टता दिखाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, दो प्रकार के बालक होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट होते हैं। सामान्य बालक के अंदर कौन आते हैं, एक समान गुण पाए जाने वाले बालक क्या कहलाते हैं, सामान्य, सर्वमान्य, जो मतलब सबके लिए मान्य हो वो क्या कहलाता है, सामान्य या सर्वमान कहलाता है। और विशिष्ट में या तो बहुत हाई इंटेलेक्चुअल है या तो बहुत लो है, उसमें कुछ ना कुछ विशिष्टता पाई जाती है। इज इट क्लियर। तो इनकी थ्योरी का ये कहना था कि बालक, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितनी भी थ्योरीज आई वो किस पे डिपेंड थी, उद्दीपक पे और प्रतिक्रिया पे। लेकिन जो है जीन पियाजे ब्यूनर इन लोगों ने जो दिया है, इन लोगों की थ्योरीज क्या कहती हैं कि बालक जो है पर्यावरण से मतलब एटमॉस्फेयर में जो सारे जितने भी स्टिमुलस है उससे प्रभावित ना होके वो स्वयं से क्या होता है, अपनी क्रियाओं से क्या होता है, सीखता है, प्रभावित होता है। इज इट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, चारों स्टेज समझ में आ गए, चारों स्टेजों में क्या है, वही सारे जो है जो इनसे पहले जितना बताया गया था उनकी सारी वही विशेषताएं हैं। इसमें कुछ अलग इन्होंने ये बताया है कि बालक जो है, इन्होंने और सारे लोगों ने क्या फिजिकल को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जितने और साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों को लेके हुए चल रहे थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या बताया है आपका मेंटल स्टेज। इन्होंने आपके मानसिक अवस्था के बारे में, मानसिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण किया हुआ है। और ये बताया है कि जब बालक जो है शैशव अवस्था में होता है तब उसका क्या, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, जब वो किशोर बाल्यावस्था में आता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और फिर जब बाल्य किशोरावस्था में आता है, जब किशोरावस्था में आता है तो बालक पूर्ण रूप से क्या होता है, उसका मानसिक स्तर विकसित हो चुका होता है, वो क्या एकदम चिंतन स्तर पर पहुँच चुका होता है और बहुत सारी समस्याओं का वो समाधान कर सकता है और परिकल्पनाओं से परिपूर्ण हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है। और एक स्टेज इसमें है, किशोरावस्था में एक क्वालिटी ये भी है कि बालक जो है कितने भी प्रेशर में हो लेकिन वो क्या करता है, सही का साथ देना चाहता है। ये बात इन्होंने ये बताया है जीन पियाजे ने कि बालक, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे समस्याएं सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि जब माँ बाप कहते हैं कि आपको नहीं बोलना है, आपको ये नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन बालक के अंदर क्या होता है कि मैं सही का साथ दूंगा चाहे जो इसका परिणाम हो, है ना। ये उसकी क्या होती है, ये उसके चिंतन स्तर को दर्शाता है। आज के लिए बस, थैंक यू।